तो कैसे हो? मतलब सब बढ़िया। देखो यार, तुम्हारा तो कुछ पता नहीं बढ़िया है या नहीं, लेकिन अपने जीकू भैया का एकदम मस्त बढ़िया चल रहा है। ठीक है, पहले फेसबुक के ओनर थे, उसके बाद व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम खरीद कर उन पर लगा दिया फ्रॉम फेसबुक, और इसके बाद से उनकी नज़रें आ चुकी है यूट्यूब पर, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखो वो तो हो गई, बाकी अदर बात है। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं फेसबुक पर जो गन मची हुई ना उसके बारे में। देखो पहले तो वहाँ पर उस पर फोटोज़ अपलोड होते थे, ठीक है, स्टोरीज अपलोड होने लगी, उसके बाद वीडियोस अपलोड होने लगी, वीडियोस पे ऐड आने लगी, पूरा यूट्यूब वाला सीन कर दिया। और उसके बाद भाई साहब गेमिंग स्ट्रीमिंग, मतलब ऑल ओवर सब चीज़ एक ही ऐप जनता माफ नहीं करेगी। पर। यार देखो उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। दिक्कत तो मुझे यार जब हुई जब मैंने फेसबुक पर ये देखा। मतलब यार बहनचो, फेसबुक पर यार टट्टी की कब से प्रोफाइल बनने लगी। लेकिन यार देखो, मैं एकदम सुख तो था देखने के बाद, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा यार चलो कोई नहीं, किसी बंदे ने ऐसे ही बना दी होगी आईडी। लेकिन नहीं, उसके बाद मैंने सर्च लिस्ट में वहाँ पर सर्च किया टट्टी, और यार तुम यकीन नहीं करोगे भाई साहब कितनी सारी आईडी खुल गई वहाँ पर। यार उनमें से सबसे ज़्यादा तो लड़कियों की आईडी थी, ठीक है, जिनका सरनेम टट्टी था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Hey, y'all, come look at this. देश संकट में है। मैं तुम्हें एक बात बताऊ, मुझे इन दीदी को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो इन्हें अपना नाम संगीता टट्टी, सरनेम टट्टी रखना पड़ा। मतलब यार बहुत वियर्ड सा है ना। लेकिन भाई साहब वहां पर एक आईडी नहीं थी, वहां पर काफी ज्यादा आईडी थी। मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब एक और। तो इनका नाम है लक्ष्मी और सरनेम तुमने पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो टैग करो यार जो भी जानता है इन नाम वाली लड़की को या भाभीयों को या आंटियों को, तो उन्हें बताओ कि यार ऐसे भी सरनेम होते हैं। और देखो एक, मतलब यार काफ़ी सारी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, काफ़ी सारे आईडीज हैं। ये देखो भाई साहब एक और आंटी आ गई जिनका नाम गीता टट्टी है। तो यार देखो इस वाली लिस्ट में तुमने देखा होगा जितनी भी आईडीज आई हैं, अभी सिर्फ ऐसी हैं जिसमें कि कोई मतलब नॉर्मल नेम नहीं है, सब मतलब ओल्ड एज वाली वुमेंस का नाम है, जैसे कि लक्ष्मी, संगीता और ये और वो। देखो और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, और ये लो भाई साहब एक यंग लेडी, ठीक है, तो इनका नाम टट्टी यादव। मतलब यार कुछ लोग तो सिर्फ सरनेम लगा रहे थे, ठीक है, इन्होंने तो अपना नाम ही रख लिया, ठीक है, सरनेम कुछ और लेकिन हम नाम रखेंगे टट्टी। मतलब यार शक्ल तो तुम्हारी प्रोफाइल में सही है, फिर नाम ऐसा क्यों? और ये देख लो इन भाई साहब को या बहन जी को, तो अगर इनसे कोई मजाक में, सीरियसली अगर इनसे कोई मजाक में कहता होगा कि तुम्हारी शक्ल टट्टी जैसी, तो भाई साहब इन्होंने प्रोफाइल को पे ही टट्टी लगा दी। मतलब यार इनके अगर कोई दोस्त होगा, अगर ये आईडी सच होगी तो सपोज दैट यार जब ये अपने मतलब फ्रेंड सर्कल में होते होंगे तो और क्या सीन होता होगा वहां पर। ये लो भाई साहब, ये तो ज्ञान पेलने आ गए, ठीक है, तो भाई साहब इन्होंने प्रोफाइल का नाम ही रख दिया टट्टी कर लो। तो इससे क्या लगता है, ये एक ऐसा बंदा होगा ना जिसके कि पेट में कभी गैस बनती होगी और अक्सर वो फाट करता होगा, मतलब पाटता होगा, और उसके दोस्त बोलते होंगे या उसको मारते होंगे कि हाँ भाई तू यार जहाँ से यहाँ से, और खूब मारा होगा। तो भाई साहब उसने सोच लिया होगा कि यार अब तो मेरे साथ तो ये हो गया, मैं दूसरों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, और सबसे कहूँगा कि सबसे पहले टट्टी कर लो। और भाई साहब इस रेस में सिर्फ लड़कियां ही नहीं थी, ठीक है, मैंने ढूंढी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सर्च करा कि हाँ कोई मिल जाए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक लड़का मिल रहा था। और सपोज करो कि उसका नाम क्या होगा, मतलब सरनेम में होगा टट्टी या नेम में होगा, चलो रुको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारे भाई का नाम है टट्टी कुमार, मतलब यार कितना स्वीट सा नाम है ना। ओ भाई क्या मजबूरियां पड़ी इन लोगों को यार, मतलब नाम को ऐसा रख रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और एक बंदे ने तो भाई साहब परेशान होकर अपना नाम ही रख लिया टट्टी खा। मतलब लोगों को कह रहा भाई साहब तुम चाहे जो भी हो जैसे भी हो, मेरे प्रोफाइल पे आओगे तो भाई साहब टट्टी खाओगे। ये देखो
मतलब भाई साहब फुल स्वैग में है, ठीक है, गाड़ी पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दुनियादारी की फिक्र नहीं, दुनियादारी जाए। और भाई साहब टट्टी खाओ तुम्हें, ठीक है, जो भी इसे उंगली करेगा परेशान करेगा वो टट्टी खा। मतलब यार फेसबुक पर क्या ही गंद मचा हुआ है, मैंने करीबन करीबन 3 साल से फेसबुक छोड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन जब मेरे दोस्त ने बताया ना यार ये ऐसा भी सीन है, तो मैंने चेक किया यार, फिर कहा कि चलो वीडियो हो जाए एक, तो फिर मेरे दोस्त भी कहने लगा हाँ यार एक वीडियो बना दे, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये था आज की इस वीडियो में, तो वीडियो तुमको कैसा लगा, देखो ये हमारे चैनल की सेकंड वीडियो है, सपोर्ट ज़रूर करना, इससे भी ज़्यादा काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँगा, और मेरे चैनल पर इस पर जो जितनी वीडियो आएंगी यार प्लीज़ उन सभी वीडियो को एज ए फनी वे में लेना, ठीक है, कोई ज़्यादा सीरियस मत लेना, और जिन बंदों के बारे में वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ उनको जाके ट्रोल वगैरह मत करना, ये सिर्फ फनी वे में, तो मजे लो और मजे लेते रहने दो सबको। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।